जिनको पता है आईपी एड्रेस के बारे में, आपको नहीं पता आईपी? पता जी जनाब, आपको तो आइडिया है आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज जो चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस करनी है उसके अंदर जो है ना, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है डीएनएस सर्वर और डीएचसीपी सर्वर। तो लेकिन डीएनएस और डीएचसीपी जो है, ये जो दो टॉपिक है हम लोगों के, ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोगों का 70642 जो हम लोगों की बुक है ये उसके टॉपिक है दोनों ही। 70642 70642 जो एक्टिव डायरेक्टरी हम लोग पढ़ रहे थे वो 70640 है, उसके भी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो मैं पहले ये करवा के लेटर हूँ, फिर आप लोगों को उनकी तरफ लेके आऊँगा, क्योंकि उसके अंदर जो है एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स वगैरह बनाने, जब तक आप लोगों को आईपी का नहीं पता, आप लोगों को डीएनएस नेम रेजोल्यूशन का नहीं पता, तो एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स वगैरह भी आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। अच्छा, आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस बेसिकली आप लोगों का 32 बिट का एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, 32 बिट का एक लॉजिकल एड्रेस होता है। इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में आप लोग दाखिला लेते हो, तो जब आप लोगों ने क्लास अटेंड करनी है तो पहले आप क्या करते हो, फीस वगैरह ड्यूज वगैरह जमा करवाते हो, तो आप लोगों का एक रोल नंबर अलोकेट हो जाता है, आप लोगों को एक रोल नंबर अलाउ आप लोगों को होता है। अब वो उस रोल नंबर की बेस पे आप लोग जो है अपने क्लास को अटेंड करने के लिए जाते हो, और जब टीचर जो है वो अटेंडेंस लगाता है तो वो वेरी फर्स्ट डे के अंदर जो है वो नाम लेके नहीं बुलाता। टीचर को नहीं पता होता कि किस किस का क्या क्या नाम है, तो वो रोल नंबर के हिसाब से जो है ना वो स्टूडेंट को जो है ना वो प्रॉक्सी लगाता है या अटेंडेंस लगाता है। तो आईपी एड्रेस भी बिल्कुल ऐसे है कि हम लोगों के लैन के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितनी कम्युनिकेशन होती है सारी की सारी होती है तो हम लोगों की मैक एड्रेस की बेस पे, यानी जो हमारा हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो हमारा बर्ड इन एड्रेस होता है उसकी बेस पे होती है। लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों को उस आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस के अंदर बेसिकली 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ऑक्टा का मतलब ये होता है कि जिसके, ऑक्टेन का मतलब 8 कोने वाली, ऑक्टा जिसके अंदर 8 बिट्स हों, ऑक्टेट्स का मतलब है कि जिसके अंदर 8-8 बिट्स के 4 पोर्शन, यानी 4 ऑक्टेट का मतलब क्या है कि हर एक पोर्शन के अंदर 8 बिट्स हैं। तो अभी यहाँ पे आप लोगों का आईपी एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 172.16.16.7, तो इसके 4 पोर्शन नज़र आ रहे हैं, यानी डॉट के पहले शुरू में, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है। अभी ये जो आईपी एड्रेस की जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली ये इसकी डेसिमल फॉर्मेट के अंदर है। अगर हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लोग बाइनरी में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर अभी मैं उस डिस्कशन की तरफ नहीं आ रहा, मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता हो कि आईपी एड्रेस होता क्या है। कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों को जो आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, और वैन पे जितनी कम्युनिकेशन होती है, वाइड एरिया नेटवर्क पे आपकी जितनी कम्युनिकेशन होती है सारी की सारी आप लोगों की आईपी की बेस पे होती है, ठीक है। आईपी एड्रेस की बेसिकली जो है 4 क्लासेस जो है वो 5 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास ए की रेंज जो है वो 1 से लेकर 126 तक, क्लास बी की रेंज 127 से लेकर 191 तक, और क्लास सी की रेंज 192 से लेकर 223 तक, और क्लास डी की रेंज 224 से लेकर 239 तक, और क्लास ई जो है उसकी रेंज जो है 240 से लेकर 255 या ऑनवर्ड की वर्डिंग जो है बुक्स में लिखी हुई होती है। अच्छा, ये हम लोगों का पता कैसे लगेगा कोई आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है? बेसिकली अगर हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट इसको अगर हम लोग रीड करना शुरू करें तो ये जो पहला पोर्शन है जहाँ पे 172 लिखा है, इस ब्लॉक के अंदर अगर तो वर्डिंग हम लोगों की 1 से लेकर 126 तक आ रही है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये हम लोगों का क्लास ए का आईपी एड्रेस है। और अगर यहाँ पे 127 से लेकर 191 तक कोई वर्डिंग यहाँ पे आ रही है तो हम कहेंगे कि क्लास बी का। ऐसे सिर्फ पहले ऑक्टेट को देख के आप लोगों को पता लग सकता है क्लास ए का, बी का या सी का। और अगर 192 से लेकर 223 तक तो फिर हम कहेंगे क्लास सी का। हम लोगों के लोकल एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में हमारी 3 क्लासेस ही यूज़ होती हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास डी जो है बेसिकली ये होती है मल्टी कास्टिंग के लिए यूज़ होती है, और क्लास ई जो है वो रिसर्च पर्पजेज के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होती है। अच्छा, जब भी किसी कम्युनिकेट किसी कंप्यूटर के ऊपर हम लोग फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क के अंदर सबसे पहले आगे हम लोग कंप्यूटर का उसका एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, एक उसको हम लोग उसका सबनेट मास्क देते हैं, और एक हम लोग उसको जो है उसका गेटवे जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेस जो है वो दो तरह की आइडेंटिटीज जो है प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस एक तो ये बताता है कि ये कंप्यूटर किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, और इसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी अपनी इनफरादी शनाख्त क्या है।
क्लास ए के अंदर जो पहला ऑक्टेट है या पहला पोर्शन जो है, पहला ब्लॉक जो है, वो हमें बताता है कि ये जो है ना, ये पहला पोर्शन जो है ये नेटवर्क के लिए रिजर्व है और बाकी तीन पोर्शन जो है वो होस्ट के लिए रिजर्व है। क्लास बी के अंदर पहले दो नेटवर्क के लिए, बाकी दो होस्ट के लिए, और क्लास सी के अंदर पहले तीनों के तीन नेटवर्क के लिए और चौथा जो है वो होस्ट के लिए रिजर्व होता है। यानी होस्ट का पोर्शन कंप्यूटर की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन होती है और जो नेटवर्क का पोर्शन उसके नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। अब एक आईपी एड्रेस में दो तरह की इन्फॉर्मेशन है, एक उसकी नेटवर्क आईडी की, एक और उसकी होस्ट आईडी की। नेटवर्क आईडी, अभी आपके सामने एक आईपी एड्रेस लिखा है 172.16.16.7, इसकी नेट आईडी क्या बनेगी? चूंकि पहले दो पोर्शन, पहले दो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो हम नेटवर्क के पोर्शन को एज इट इज लिख देंगे 172.16, और होस्ट के पोर्शन को हम क्या कर देंगे 0.0। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हम लोगों की नेट आईडी निकल आएगी। और अगर इसकी होस्ट आईडी निकालनी है तो इसकी होस्ट आईडी क्या होगी, 0.0.16.7, यानी अगले दो जो ऑक्टेट हैं वो इसके होस्ट की आइडेंटिफिकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बाहमी कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर के पास आईपी एड्रेस होना जो है वो ज़रूरी है। अब आईपी एड्रेस जो हम लोगों ने कंप्यूटर को जो असाइन करना है, अब आईपी एड्रेस असाइन करने के हम लोगों के पास जो है बेसिकली तीन मेथड है। बुनियादी तौर पर हम लोगों के पास दो मेन क्राइटेरिया हम लोगों के पास वो दो ही है कि हम लोगों ने कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस देना, या तो हम लोगों ने आईपी एड्रेस कंप्यूटर के ऊपर जाकर खुद से दे देना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस, या दूसरा तरीका यह है कि हम लोग एक ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें कि कंप्यूटर्स को जो है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिलना शुरू हो जाए। जो खुद से हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं उसको हम लोग मैनुअल मेथड कहते हैं, या उसको हम लोग स्टैटिक मेथड कहते हैं। और जो कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस कंप्यूटर ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसिंग है। तो आगे फर्दर दो चीज़ें, एक है डीएचसीपी और एक है एपीआईपी है। डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यानी आज के जो हम लोगों का डिस्कशन का मेन टॉपिक है वो है कि डीएचसीपी आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और डीएचसीपी कैसे काम करता है, ये चीज़ें आज हम लोग जो है वो देखेंगे। यानी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर हम लोग हर एक कंप्यूटर के ऊपर जाके मैनुअल आईपी एड्रेस ना दें, इस चीज़ से जाँच छुड़ाना चाह रहे हैं। तो उसकी दो सूरतें हैं, एक सूरत तो ये है कि नेटवर्क के अंदर हम लोग क्या लगा लें, डीएचसीपी सर्वर लगा लें। और अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं है और हम लोगों ने कंप्यूटर को आईपी एड्रेस खुद से भी असाइन नहीं किया, तो अब कंप्यूटर को खुद ब खुद कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन सर्विस होती है जिसको बोलते हैं एपीआईपी है। एपीआईपी स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। उसको ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग के थ्रू उसको जो आईपी एड्रेस मिल जाता है, लेकिन वो क्लास बी का आईपी एड्रेस होता है सिर्फ, ना तो क्लास ए का होता ना क्लास सी का होता। और एपीआईपी है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। क्लास बी का आईपी एड्रेस होता है, उसके पहले दो ऑक्टेट्स में लिखा था, पहले में लिखा था 169 और दूसरे में लिखा था .254। 169.254 से वो आईपी एड्रेस जब भी शुरू होगा इसका मतलब है वो एपीआईपी के जरिए लिया। मतलब ये है कि कोई डीएससीपी सर्वर नहीं लगा, कोई स्टैटिक नहीं लगा। अच्छा, पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डीएससीपी रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी एंड अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाई यूजिंग ऑटोमेटिक टीसीपीआईपी कॉन्फ़िगरेशन। कि अगर 100 कंप्यूटर हैं, 100 कंप्यूटर्स को जाके मैंने आईपी एड्रेस देने हैं तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। एटलीस्ट अगर एक एक मिनट भी लगे कि कंप्यूटर के ऊपर, तो 100 मिनट मेरे जो है वो काम था, यानी पौने 2 घंटे एक इस एक्टिविटी में जो है मेरे सब हो जाएंगे। अब उस चीज़ से अगर मैं जांच कराना चाह रहा हूँ तो उसका बेहतरीन हल ये है कि नेटवर्क के अंदर मैं एक डीएससीपी सर्वर लगा लूँ और डीएससीपी सर्वर को मैं एक रेंज बता दूँ कि इस रेंज के अंदर से तुमने आईपी एड्रेस देना शुरू कर दें, तो वो मेरी बताई हुई रेंज के अंदर से जो जो कंप्यूटर ऑन होता जाएगा उसी सीक्वेंस से उनको आईपी एड्रेस देता जाएगा। तो ये मेथड जो है ये आप लोगों का ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसिंग के अंदर डीएससीपी का मेथड है। मैनुअल आईपी एड्रेस अगर हम लोग देते हैं उसके अंदर जो है स्टैटिक के अंदर कबाहत किया कि सबसे पहले हर एक कंप्यूटर के ऊपर जाके मैनुअल आईपी एड्रेस देना पड़ता है, जबकि अगर डीएससीपी सर्वर अगर हम लोग लगा लें तो उसके अंदर क्या होता है कि हर कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाता है। सेकेंडली, बातों का ये भी हो सकता है कि हम लोग क्लास बी के आईपी एड्रेस दे रहे हैं और या क्लास सी के हम लोग आईपी एड्रेस दे रहे हैं। सपोज क्लास सी के आईपी एड्रेस दे रहे हैं हम लोग 192 सीरीज वाले 192.168.1, ये जो है ना हम लोगों के नेट आईडी है 192.168.1। यानी हर कंप्यूटर के अंदर ये पहले तीन ऑक्टेट के अंदर ये चीज़ आएगी आएगी। तो लेकिन अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर ने 100 कंप्यूटर्स को देना, और गलती से हो सकता है कि एक या दो कंप्यूटर्स के ऊपर उससे नेट आईडी गलत टाइप हो जाए, सपोज वो 192.168 की बजाय 169 लिख दे, या 192.168.1 की बजाय 11 लिख दे वो, तो क्या होगा कि जिनके ऊपर वो आई पी एड्रेस गलत दे देगा तो वो कंप्यूटर्स जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। तो डायनामिक मेथड के अंदर या डीएससीपी लगाने के अंदर दूसरा फायदा ये है कि आप लोगों को ये श्योर होता है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है, एक मरत तो आपने देख के सोच समझ के एनालिसिस करके आपने दे दी, अब किसी कंप्यूटर का सवाल ही पता नहीं होता कि कोई गलत आईपी एड्रेस मिल जाए। यानी जो गलत आईपी एड्रेस
स्टैटिक के अंदर चांस होता है लेकिन ऑटोमेटिक में उस चीज़ का चांस नहीं है। और फिर कि अगर गलत आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो कंप्यूटर क्या कर करेगा कि कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा। और फिर इसके अलावा ये कि आप लोग थोड़े वक्त के अंदर ज़्यादा काम आप लोग कर लेते हो, जबकि मैनुअल के अंदर हर एक कंप्यूटर पर जा करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर जो आप लोगों को काफ़ी टाइम भी लग रहा है उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा है। अब डीएससीपी जो है ये काम करता कैसे है, बेसिकली डीएससीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, इसके अंदर बेसिकली फोर वे हैंडशेक होता है। अभी ये कमिंग स्लाइड्स के अंदर ये आप लोगों को बताएगा कि फोर वे हैंडशेक क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पे स्लाइड के अंदर उसने ये दिखाया हुआ है कि एक ये नॉन डीएससीपी क्लाइंट है सबसे ऊपर लेफ्ट में। अब इसको अगर हम लोगों ने कम्युनिकेट करवाना है इस कंप्यूटर के ऊपर जाके हम लोग आईपी एड्रेस देंगे खुद से। दूसरी सूरत ये थी कि मैं यहाँ नेटवर्क के अंदर एक डीएससीपी सर्वर लगा दूँ। अच्छा, डीएससीपी सर्वर लगाने के बाद डीएससीपी के ऊपर मैं एक स्कोप डिफाइन कर दूंगा, यानी आईपी एड्रेसेस की एक रेंज बता दूंगा। अब ये जो मेरा क्लाइंट कंप्यूटर है, क्लाइंट वन या क्लाइंट टू, इनको मैं रिस्टार्ट करूंगा, ये डीएससीपी से कनेक्ट होंगे और ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस जो है डीएससीपी से जो ऑब्टेन कर लेंगे। अभी यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि ये डीएससीपी क्लाइंट था। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि डीएससीपी क्लाइंट जो है वो डीएससीपी को डिस्कवर करने की कोशिश करता है या इंटरनल ब्रॉडकास्ट करता है लैन के अंदर। लैन के अंदर क्या करता है, इंटरनल ब्रॉडकास्ट करता है। ये फोर वे हैंडशेक के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है। जब क्लाइंट कंप्यूटर जो है उसने नेटवर्क पे कनेक्टिविटी करनी है, वो कहता है कि मुझे, मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं, मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, वो सबको ब्रॉडकास्ट करता है, कहता है कि भाई किसी के पास आईपी है तो मुझे दे दो। अगर नेटवर्क के अंदर डीएससीपी सर्वर लगा होगा तो डीएससीपी सर्वर क्या करेगा, आईपी एड्रेस जो ऑफर कर देगा। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, डीएससीपी सर्वर ब्रॉडकास्ट करके क्या कर देगा, उसको रिप्लाई कर देगा, उसको कहेगा कि भाई मेरे पास ये आईपी एड्रेस है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि क्लाइंट कंप्यूटर जो है उसकी उस ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्लाइंट कंप्यूटर उसकी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। और फोर्थ स्टेप के अंदर जो है फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट भी जो है वो भेज देगा। यानी सबसे पहले क्लाइंट कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, डीएससीपी ने उसको ऑफर किया, क्लाइंट ने ऑफर एक्सेप्ट की और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेज दी। ये जो है फोर वे हैंडशेक डीएससीपी के केस में होते हैं, डीएससीपी इस तरीके से जो आप लोगों का काम करता है। अच्छा, जब हम लोग किसी नेटवर्क के अंदर डीएससीपी सर्वर लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होता है वो आईपी एड्रेस। बाय डिफॉल्ट जो आप लोगों को आईपी एड्रेस मिलता है, आईपी एड्रेस मिलने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीज ड्यूरेशन। ठीक है, जिस तरह हम लोग बैंक से अगर कोई चीज़ लेते हैं, गाड़ी वगैरह लेते हैं, तो क्या कहते हैं कि लीज़ की कार आई है, हम लोगों ने लीज़ करवाई है, तो डीएससीपी सर्वर से भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जो क्लाइंट कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस मिलता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीज ड्यूरेशन। और बाय डिफॉल्ट जो है क्लाइंट कंप्यूटर्स को 8 दिन की लीज के ऊपर जो आईपी एड्रेस मिलता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो इसको 8 दिन की बजाय इसको अनलिमिटेड इसको जो है कर सकता है। अच्छा, 8 दिन के लिए जब आईपी एड्रेस मिला तो क्या होगा कि जब 50% लीज जो है वो एक्सपायर हो जाएगी तो क्लाइंट दोबारा खुद ही जो है वो दोबारा से रिक्वेस्ट कर देगा। 4 दिन गुजरेंगे, 4 दिन के बाद दोबारा से रिक्वेस्ट कर देगा। 4 दिन के अंदर उसको अगर मिल जाता है तो उसकी लीज जो है वो रिन्यू हो जाती है या डीएससीपी के पास उसकी रिक्वेस्ट जो आ जाती है अपने पास उसको सेव कर लेता है। लेकिन किसी वजह से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, किसी वजह से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता वो 50% ड्यूरेशन के बाद भी, यानी आधा वक्त गुजरने के बाद भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, तो लीज़ या किसी वजह से रिन्यूअल की जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाती है। तो फिर वो क्या करता है कि जब 3 हिस्सा टाइम गुजर जाता है, मतलब 87.5% जब उसकी लीज उसकी वो गुजर जाती है ना, देन वो दोबारा से रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे वो प्रोसेस बताया हुआ है कि जब क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अगर मिला लीज पर्टिकुलर लीज ड्यूरेशन के लिए, पहले वो 50% का रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट किसी वजह से उसको डिनाई होगी, एक्सेप्ट नहीं की, डीएससीपी ने डीएससीपी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, कोई भी मसला बन गया, तो क्या होगा कि वो 87.5% जब टाइम पीरियड गुजरेगा दोबारा से जो है उसको रिक्वेस्ट करेगा। जब वो भी टाइम गुजर गया, 100% टाइम गुजर गया, अब क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्लाइंट ने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो क्लाइंट को आईपी एड्रेस दोबारा नया आईपी एड्रेस चाहिए। अगर उसका डीएससीपी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा तो अब उसको जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो उसके बिल्ट इन सर्विस एपीआईपी के जरिए मिलेगा वो। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग अपने डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम लोग डीएससीपी सर्वर लगाएं तो उस डीएससीपी सर्वर का एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथोराइज होना भी ज़रूरी है। यानी एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन हमारा डोमेन कंट्रोलर जिसको परमिट करेगा वही जो है हमारा डीएससीपी सर्वर बनेगा। अगर एक्टिव डायरेक्टरी ने परमिट ना किया
तो डीएसपी सर्वर भले आप लोगों ने लगाया भी हो तो वो काम नहीं करेगा। अगर मल्टीपल डीएसपी सर्वर हमारे नेटवर्क में लगे हो तो उनमें से वही सर्वर काम करेगा जो कि ऑथोराइज हो गया एक्टिव डायरेक्टरी से। लाइक इस सिनेरियो के अंदर उसने क्या बताया कि डीएसपी ऑथोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द डीएसपी सर्वर सर्विस इन द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन टू सपोर्ट डीएसपी क्लाइंट। डीएसपी सर्वर वन चेक विद द डोमेन कंट्रोलर टू ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ ऑथोराइज डीएसपी सर्वर। अब हमारे सिनेरियो में यहाँ पे ये दो डीएसपी सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है। ये डोमेन कंट्रोलर से पहले क्या कर रहा है, लिस्ट को जो वो गेट करने की कोशिश कर रहा है कि ऑथोराइज कौन कौन सा। अगर ये ऑथोराइज है तो देन जब एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन ने डोमेन कंट्रोलर ने इसको ऑथोराइज कर दिया कि भाई तुमने डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर जितने क्लाइंट कंप्यूटर हैं उनको तुमने आईपी एड्रेस देने हैं, तो अब जब मैं क्लाइंट कंप्यूटर को किसी को भी बूट करूंगा तो क्या होगा कि अब ये देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर सेकेंड डीएसपी सर वो भी चेक कर रहा है, डोमेन कंट्रोलर को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऑथोराइज हूँ या नहीं हूँ। तो लेकिन डोमेन कंट्रोलर ने उसको ऑथोराइज नहीं किया, सिर्फ पहले वाले को उसने ऑथोराइज किया था। अब क्या होगा, जब क्लाइंट कंप्यूटर आप लोगों का बूट होगा उसकी रिक्वेस्ट दोनों के पास जाएगी, डीएसपी वन के पास भी जाएगी, डीएसपी टू के पास भी जाएगी। डीएसपी वन चूंकि ऑथोराइज है इस वजह से डीएसपी वन के जरिए से क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, डीएसपी टू चूंकि ऑथोराइज नहीं है इस वजह से उसको आईपी एड्रेस वहां से नहीं मिलेगा। ठीक, अब वो डिस्कशन को आगे लेके जाने से पहले वो कह रहे हैं कि ऐसे करें कि आप डीएसपी के जो है वो रोल इंस्टॉल कर लें। तो मैं आप लोगों को इस डेमो के अंदर जो डीएसपी जो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि डीएसपी हम लोगों ने इंस्टॉल कहाँ से करना है। डीएसपी जब आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, क्या आप सर्वर मैनेजर में होगे सबसे पहले, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और यहाँ से आप कहाँ पे आ जाओगे, सर्वर मैनेजर में। और यहाँ से आप सर्वर मैनेजर में आने के बाद आप यहाँ से ऐड रोल्स पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और अगर आप लोगों ने डीएसपी सर्वर बनाना हो तो यहाँ से आप लोग डीएसपी के चेकबॉक्स आप सेलेक्ट कर दोगे। अब डीएसपी सर्वर काम क्या करता है इसके डिस्क्रिप्शन में या साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। विंडोज 2008 के अंदर डीएसपी की ड्यूटी है कि जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हो तो इंस्टॉलेशन टाइम के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन भी करवा लेते हैं। दो सूरतें हैं कि इंस्टॉलेशन पे भी कर लो कॉन्फ़िगरेशन, या दूसरी सूरत ये है कि पहले जस्ट डीएसपी का मॉड्यूल इंस्टॉल कर लो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बाद में कर लो। हम लोग इसको सर्वर मैनेजर से भी इसको कर सकते हैं और इसी काम को हम लोग जो है वो पावर शेल के जरिए से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। ये वो पूछ रहे हैं कि कौन से निक के थ्रू जो है वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। अभी मेरे इस कंप्यूटर के अंदर एक ही निक लगा है, यानी एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। यानी अगर मैं इसको अपना डीएसपी सर्वर बना रहा हूँ तो मेरे डीएसपी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या होगा, 10.0.0.1। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। अब ये उसके बाद पूछ रहा है कि अगर डोमेन एनवायरमेंट में बनाते हैं तो वो आप लोगों के पेरेंट डोमेन के बारे में भी पूछता है, ठीक है। यहाँ से वो पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है कि डीएसपी के जरिए से ही क्लाइंट कंप्यूटर को यह भी बता देना है कि तुम्हारा डीएनएस कौन सा है। तो आप यहां से उसका प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर भी यहीं से बता सकते हो, यानी क्लाइंट कंप्यूटर को जब आईपी एड्रेस मिलेगा साथ में यह भी पता लग जाएगा कि तुम्हारा डीएनएस सर्वर ये है। अल्टरनेट अगर कोई इसका मुतबादल डीएनएस सर्वर आप लोगों ने लगाया तो आप लोग यहाँ से वो बता दोगे, फिलहाल मुतबादल कोई नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर को विंस के बारे में भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। विंस विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्वर जो कि नेट बायोस नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस में नेट बायोस नेम में रिजॉल्व करता, जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे लाइक विंडोज एनटी 498, मिलीनियम 2000 वगैरह, उनको विन सर्वर की जरूरत पड़ा करती थी। लेकिन जितने एडवांस आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है 2000 के बाद जितने आए, 2003, 2008, 2008 R2, विस्टा 7 वगैरह, उनको जो है विन सर्वर की जरूरत नहीं होती। डीएनएस ही जो है वो विन्स वाला काम भी करता है। अभी आगे हम लोग डीएनएस के बारे में डिस्कस करेंगे। विन्स को फिलहाल मैंने नो कर दिया, नेक्स्ट किया। वो पूछ रहा है कि डीएसपी जो आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड करेगा, ये आईपी वेरिएंट 6 की भी जो है वो सपोर्ट अनेबल करनी है नहीं करनी। अगर अनेबल करनी है तो आप इसको सेलेक्ट कर दोगे, अगर नहीं करनी तो यहाँ से आप इसको डिसेबल करके नेक्स्ट कर दोगे। अब वो पूछ रहा है किस यूज़र के पास राइट्स हैं कि जो कि डीएसपी को इंस्टॉल कर सके। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास डोमेन एडमिन एंटरप्राइज एडमिन के राइट्स हैं, तो बाई डिफॉल्ट उसके पास डीएसपी एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स भी होते हैं। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया और इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब ये जो है मेरा डीएसपी जो अभी है इंस्टॉल होना जो है शुरू हो गया होगा। अच्छा, इतनी देर में इंस्टॉल होता है डीएसपी,
हम लोग बाकी मजीद चीजें देख लेते हैं कि जब हम लोगों ने डीएससीपी सर्वर हम लोगों ने लगा लिया, अब हम लोगों ने काम क्या करना है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने स्कोप जो है वो डिफाइन करना है। अब स्कोप कहते हैं किसको है, आईपी एड्रेस की रेंज को स्कोप बोलते हैं, आईपी एड्रेस की रेंज को जो है स्कोप बोलते हैं। रेंज ऑफ आईपी एड्रेस इज कॉल्ड स्कोप, कि आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक असाइन करने हैं। अगर मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दे रहा हूँ तो मैंने कितने कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस मेरा असाइन करना है। सपोज मैंने कहा कि 10.0.0.2 से लेके 10.0.0.100 तक जो है आईपी एड्रेस असाइन करो, तो अब मैंने कितने 99 आईपी एड्रेसेस का उसको पूल बता दिया। इसको पूल भी कहते हैं, उसको स्कोप भी कहते हैं। जो आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, स्कोप। आप मल्टीपल स्कोप्स भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने मल्टीपल स्कोप डिफाइन करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके डीएससीपी सर्वर के अंदर मल्टीपल निक्स लगे हुए हों। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा डीएससीपी सर्वर क्लास ए के आईपी एड्रेस भी असाइन करे और क्लास थ्री के आईपी एड्रेस भी असाइन, क्लास सी के भी आईपी एड्रेस असाइन करें, क्लास ए के भी असाइन करें और क्लास सी के भी असाइन करें, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दो नेटवर्क कार्ड लगे होने चाहिए। लाइक यहाँ पे लैन ए, उसके अंदर हम लोगों ने स्कोप ए डिफाइन कर दिया। सपोज वो जो है हम लोगों के कोई स्नैरियो ऐसा है कि दो तरह की लैब्स बनी हुई हैं, एक बॉयज़ के लिए बनी है, गर्ल्स के लिए बनी हुई है। अब हम लोग जो चाह रहे हैं कि बॉयज़ वाली लैब को जो है क्लास ए के आईपी एड्रेस मिले और गर्ल्स वाली लैब को क्लास बी के आईपी एड्रेस मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डीएससीपी पर दो लैन कार्ड लगाएंगे और उसके ऊपर दो स्कोप डिफाइन कर लेंगे, स्कोप ए स्कोप बी के नाम से कर लेंगे किसी भी, या बॉयज़ गर्ल के नाम से कर लेंगे। जब हम लोग स्कोप डिफाइन करते हैं तो स्कोप के अंदर जो सबसे पहली चीज़ कन्फिगर करने वाली होती है वो पूछता है कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या है। अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस दे रहे हैं और कोई सबनेटिंग वगैरह नहीं हुई हुई, तो फिर उसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है उसका क्या होगा, 255.0.0.0। और अगर सपोज 10 उसके नेटवर्क की आईडी है तो फिर उसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, 10.0.0.0। ठीक है, दूसरी चीज़ स्कोप के अंदर हम लोग उसकी लीज ड्यूरेशन बताते हैं। अगर ना बताएं तो बाई डिफॉल्ट वो 8 दिन की लीज ड्यूरेशन के ऊपर आईपी एड्रेस देता है। स्कोप डिफाइन करते हुए हम लोग स्कोप का नाम देते हैं, कोई भी नाम देना, उसका बताते हैं कि तुम्हारा सबनेट मास्क क्या है। अगर सबनेट मास्क ना बताएं तो वो उस क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क खुद ही गेट कर लेता है। अगर सबनेटिंग हुई भी है तो फिर हम लोगों को सबनेट मास्क खुद से बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग आईपी एड्रेसेस की रेंज बताएंगे और फिर इसके अंदर हम लोग एक्सक्लूजन भी डिफाइन कर देंगे। एक्सक्लूजन का मतलब क्या, एक्सक्लूजन लफ्ज जो एक्सक्लूड से निकला, एक्सक्लूड का मतलब होता है बचा देना, निकाल लेना। कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आईपी एड्रेस साइन कर रहा हूँ, बल्कि अगली स्लाइड में होपफुली ये बताएगा, अगर मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने जो आईपी एड्रेस देना है 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.100 तक, इसके अंदर से 51 से लेकर 60 तक किसी भी कंप्यूटर को ना मिले, वो मैंने अपने वेब सर्वर को देने हैं या अपनी वेबसाइट के देने मैंने, या वो मैंने स्टैटिक असाइन करने हैं, खुद से जाके असाइन करने हैं किसी भी वजह से, तो वो आईपी एड्रेस जो बीच में से हम लोग निकालना चाह रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे एक्सक्लूजन। कि अगर मैं एक स्कोप बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 10.0.0.1 से लेकर 10.0.0.100 तक आईपी दो, इसके अंदर से 51 से लेकर 60 तक ना दो, तो 51 से लेकर 60 तक क्या होगी, मेरी एक्सक्लूजन होगी। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट है, एक आप लोगों का एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है और एक आप लोगों का जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि आईपी एड्रेस को निकाल लेना या बचा लेना, और रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी के लिए मखसूस कर लेना, किसी के लिए रिजर्व कर लेना। 8 दिन के बाद क्लाइंट जब रिन्यूअल की रिक्वेस्ट करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसको वही पुराना आईपी एड्रेस मिला, हो सकता है उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाए। अब एक जो है वेब डेवलपर है, वो कहता है कि यार मैंने घर से बैठ के काम करना होता है, डीएससीपी सर्वर लगा हुआ है, डीएससीपी के थ्रू आईपी मिलते हैं, लेकिन यार 8 दिन के बाद मेरा आईपी चेंज हो जाता है, मेरा घर से भी मोड डेस्कटॉप करना होता है, फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, पहले मुझे फाइंड करना पड़ता है कि मेरे सर्वर का मेन मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करता है काइंडली मेरा आईपी एड्रेस फिक्स कर दे। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर जो आईपी एड्रेस को फिक्स करेगा, उसको पर्टिकुलर सिस्टम को एलोकेट करेगा, तो डीएससीपी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन, किसी के नाम रिजर्व करना। अगर होटल में आप लोग खाना खाने जाते हो तो बास टेबल्स के ऊपर रिजर्वेशन का वो जो है टिकट या बोर्ड लगा होता है, इसका मतलब है कि ये पहले ही आपको पाइड है, किसी ने अपने लिए मखसूस करवा रखा है ये। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि एक मशीन को एक पर्टिकुलर आईपी ही मिले हमेशा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिजर्वेशन कर सकते हैं। ए रिजर्वेशन इज ए स्पेसिफिक आईपी एड्रेस विद इन अ स्कोप दैट इज रिजर्व परमानेंटली फॉर लीज टू ए स्पेसिफिक डीएससीपी क्लाइंट। लाइक यहाँ पे उसने एग्जाम्पल के अंदर यह बताया कि फाइल एंड प्रिंट सर्वर जो है ना हम लोगों के सबनेट बी के अंदर है, उसके ऊपर जो आईपी एड्रेस जो है उसने वो रिजर्व करवाया हुआ है। अच्छा, ये इस आगे चलाने से पहले, डिस्कशन आगे चलाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि
के डीएसीपी के अंदर हम लोग जो है स्कोप कैसे डिफाइन करेंगे और रिजर्वेशन वगैरह कैसे करेंगे, देन फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। डीएसपी सर्वर जब हम लोगों का इंस्टॉल हो गया, तो इंस्टॉल होने के बाद आप स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव टूर, और यहाँ से आप लोग आ जाओगे डीएसपी में। डीएसपी सर्वर के अंदर आ गए, अब हम लोगों ने डीएसपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। डीएसपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके लिए IPv6 के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँ, IPv4 के ऊपर सॉरी राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू स्कोप। यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू स्कोप। आप लोगों के पास एक स्टेप बाई स्टेप विजिट चलना शुरू हो जाएगा, इसको मैंने नेक्स्ट किया वेलकम स्क्रीन को, और यहाँ पे आप लोग उस स्कोप का नाम डिफाइन करोगे कि आप लोग स्कोप किसके लिए बना रहे हो। स्कोप मैंने यहाँ पे लिखा MCITP लैब। स्कोप मेरे इसके अंदर जो है सर्वर के अंदर दो निक लगे हुए हैं, मैं माइक्रोसॉफ्ट की लैब को जो है माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम उसकी लैब को मैं IP एड्रेस असाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर लिख दिया मैंने माइक्रोसॉफ्ट लैब, दूसरे के अंदर लिख दिया मैंने सिस्को लैब। डिस्क्रिप्शन ये आप अपनी सहूलत के लिए या आपके अलावा कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर भी है इस डोमेन का, सपोज आप लोगों का शिफ्टों के अंदर काम होता है कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आते हैं, सेकंड शिफ्ट में कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, तो उसकी सहूलत के लिए उसको पता हो कि क्यों बनाया, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखें। तो मैंने तो लिख रहे हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग कि आप जिस मकसद के लिए कर रहे हो आप लोग यहाँ पे अपना वो मकसद बयान करोगे। नेक्स्ट किया, IP एड्रेस कहाँ से असाइन करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा 10.0.0.2, क्योंकि बंद तो इसका अपना, तो मैंने कहा कि 10.0.0. सपोज मैंने कहा कि 100 तक IP दो। अब देखें लेंथ इसने गेट किया 8, क्लास ए का IP एड्रेस दिया, तो क्लास ए के अंदर जो पहला पोर्शन जो है नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है उसने उसको खुद ही जो है उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिख दिया होगा। अगर मैंने सबनेटिंग की हुई है तो जितने बिट्स की सबनेटिंग की होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं यहाँ पे सबनेट मास्क दे दूंगा। फिलहाल इसे मैंने कहा कि डिफॉल्ट हम लोगों का सबनेट चल रहा है, कोई हम लोगों की सबनेटिंग वगैरह नहीं हुई भी, उसको मैंने नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि एक्सक्लूजन करवानी है कोई, आप लोगों ने IP एड्रेस छुड़वाना है आपने, मुस्तकबिल में किसी भी काम के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि सपोज 10.0.0.51 से लेके ऐसे है कि आप 10.0.0.60 तक, ये मैंने एक्सक्लूजन इसके अंदर ऐड कर दी। ये कह रहे हैं भाई कि अगर एक स्किप कराना है तो स्टार्ट IP में वही लिख दो, एंड IP में वही लिख दो। अगर एक ही करवाना है तो फिर सपोज मैंने सिर्फ 51 जो है रिजर्व करवाना था, ठीक है, ये सॉरी एक्सक्लूड करवाना था, तो वो उसके लिए अगर आपने एक ही करना हो ना, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप बजाय उसको एक्सक्लूड करवाने के आप रिजर्वेशन के अंदर उसको डालो। अभी अगली स्क्रीन में पूछेगा कि रिजर्वेशन के लिए नेक्स्ट किया इसको मैंने। अब ये देखें ये लीज ड्यूरेशन पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट 8 डेज के लिए मिलता है, उसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल उसका मैंने नेक्स्ट किया। वो पूछ रहा है कि DSCP के अंदर फर्दर ऑप्शंस को जो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, इसके एडवांस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अगर यस करोगे तो ये आगे पूछ लेगा कि आपका DNS कौन सा, आपका विन सर्वर कौन सा, आपका गेटवे क्या, आपका राउटर कौन सा, आपका टाइम सर्वर कौन सा, फर्दर ऑप्शंस के बारे में पूछेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ यस आई वॉन्ट टू कन्फिगर दीज ऑप्शन, दो नेक्स्ट पे क्लिक किया। सबसे पहले पूछ रहा है कि हमारे नेटवर्क का गेटवे क्या, कि अगर आप लोगों का कोई राउटर लगा होगा तो आप अपने एंड के राउटर का IP एड्रेस बता दो, अपना डिफॉल्ट गेटवे आप बता दो। अगर नहीं लगा तो इसको सिंपल आप नेक्स्ट कर देंगे। देन उसके बाद चूँकि ये हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो डोमेन की पेरेंट डोमेन की इन्फॉर्मेशन तो उसने इंस्टॉलेशन टाइप में गेट कर ली थी। अब हमारे नेटवर्क के अंदर हमारा DNS सर्वर कौन सा है, तो मैं यहाँ पर अपने DNS सर्वर का IP एड्रेस बता दूंगा, या मैं DNS सर्वर का नाम लिखूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको लिखा DC01, ये हम लोगों का DNS सर्वर है। रिजॉल्व पे क्लिक करूंगा, ये देखा उसने मुझे इसका IP एड्रेस दे दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब वो पहले वैलिडेट करेगा, पहले चेक करेगा कि जो मैं DNS डाल रहा हूँ वाकई उसके ऊपर DNS की सर्विसेज वगैरह चल रही है नहीं चल रही। जब वैलिडेट हो जाएगा तो देन वो ऐड करेगा। 127 वाला मैं फर्दर टाइमिंग निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब वो पूछ रहा है कि नेटवर्क के अंदर कोई विन सर्वर चल रहा है, अगर चल रहा है तो मीन्स 127 जो है ना, जब हम लोग DNS सर्वर हम लोग कन्फिगर करते हैं तो हम लोग DNS एक्टिव डायरेक्टरी, आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने इसकी इंस्टॉलेशन की थी तो हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन के साथ ही उसको कह दिया था कि यस इंस्टॉल एंड कन्फिगर DNS ऑन दिस सर्वर। हम लोगों ने खुद से जाकर उस पर DNS इंस्टॉल नहीं किया था ना, उसकी हम लोगों ने कॉन्फिगरेशन की थी। अगर हम लोग खुद से ना करें
और वो खुद ही गेट कर ले, तो जो DNS का IP एड्रेस वो गेट करता है वो 127 वाला करता है, वो अपना ही IP एड्रेस जो है वो एज ए DNS सबमिट रिजर्व है करता हार्ड डीएनएस के जी। लिए अगर 127 आपने किसी कंप्यूटर के ऊपर DNS की सर्विसेज इंस्टॉल की है और आपने उसके अंदर DNS को प्रॉपरली कन्फिगर नहीं किया, उसकी TCP/IP की प्रॉपर्टीज लैन के अंदर आप लोगों ने जाके चेंज नहीं की, तो वो अपना DNS जो है, चूंकि DNS सर्विस उसको अपने ऊपर चल रही है, तो अपना DNS सर्वर जो लेगा 127.0.0.1। बेसिकली 127 वाला आईपी एड्रेस जो है ना, इसको बोलते हैं लूपबैक टेस्टिंग एड्रेस। ये हम लोग किसी भी कंप्यूटर को जो है 127 असाइन नहीं कर सकते, ये जस्ट जो है ना आप लोगों के लैन वगैरह की आपके टेस्टिंग के लिए होता है कि आप लोगों का लैन कार्ड सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। जी 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 अगर वो आप लोगों के विद इन नेटवर्क आपकी रहेगी, वो 10 वाले नेटवर्क में रहेगी, जो उस नेटवर्क से बाहर नहीं निकलेगी आपके, उस नेटवर्क से बाहर निकलना है तो आप निकलने के लिए उसको उसका गेटवे बता दो। उसका नेक्स्ट पे क्लिक किए, वो पूछ रहा है कि स्कोप को आपने एक्टिवेट करना। स्कोप अगर आपने मल्टीपल बनाया, जब तक किसी एक स्कोप को एक्टिवेट नहीं करोगे स्कोप काम करना नहीं शुरू करेगा। इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया और फिनिश पे क्लिक किया, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पर था ये। देखिए यहाँ पे खुद ही ग्रीन हो गया। अब मैंने इसको अगर एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथोराइज करना या अनऑथोराइज करना तो कैसे करूँगा? ये जो मेरा स्कोप डिफाइन किया है, आपने सर्वर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद सर्वर स्कोप पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया आपके पास ऑथोराइज। देखें ये DC01, आप अपने सर्वर DC को राइट क्लिक करोगे और यहाँ से आप इसको ऑथोराइज करना चाहो या अनऑथोराइज करना चाहो, यहाँ से आप इसको ऑथोराइज या अनऑथोराइज भी आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल बाई डिफॉल्ट जो एक्टिव डायरेक्टरी में इंस्टॉल था उसने खुद ही उसको ऑथोराइज कर दिया। इसको अगर कोई और DHCP लगाना है तो उसको मैं यहाँ से अनऑथोराइज कर दूंगा, यानी इसको मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, ये DHCP काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे वो साइजिंग अवेलेबिलिटी का एक सिनेरियो और डिस्कस कर रहा। मिसाल के तौर पर अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने DHCP सर्वर लगाना और आपको ये कहा गया कि DHCP आपने हाई अवेलेबिलिटी मोड के अंदर आपने लगाना, कि अगर एक DHCP डाउन हो भी जाए तो दूसरा DHCP उस जगह उसकी जगह टेक उसको वो टेक ओवर कर ले उसको, तो फिर आप क्या करोगे? लाजमी तौर पे आप लोग जो है दो DHCP सर्वर लगाओगे, लाजमी तौर पे आप लोग दो DHCP सर्वर लगाओगे। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे जो उसने बताया कि सर्वर वन, इसका IP एड्रेस है DHCP सर्वर का 192.168.0.1। अब आप क्या करोगे? हम चाह रहे हैं कि 80% IP एड्रेस इसके जरिए से मिले, हैज 80% ऑफ एड्रेस एज फॉलो। स्कोप की रेंज हमने बताई 192.168.0.2 से लेकर 254 तक, हम लोगों ने इसकी रेंज बताई। जो आप लोगों का डोमेन कंट्रोलर, आप उसके ऊपर भी DHCP सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसके ऊपर। हम लोगों ने स्कोप बताया, उसको स्कोप के अंदर बताया कि 192.168.0.2 से लेके 192.168.0.254 तक IP एड्रेस साइन करो, इसके अंदर से 200 से 254 तक आखिरी जो एड्रेस जो है ना वो क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, आखिरी एड्रेस जो है वो एक्सक्लूड कर दो। यानी क्या किया कि पहले जो 200 एड्रेस वो दे दो, लेकिन आखिरी 54 एड्रेस जो है वो छोड़ दो, वो किसी को ना देना। दूसरा DHCP सर्वर हम लोगों ने बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि इसके अंदर आपने रेंज हम लोगों ने देखें दोनों के अंदर सेम बताई है। दूसरे के अंदर हम लोगों ने बताया कि DHCP सर्वर जो है, DHCP सर्वर 2 जो है नीचे नजर आ रहा है, इसका IP एड्रेस है 192.168.1.1। अब इसके अंदर हम लोगों ने बताया कि 20% IP एड्रेस इसके जरिए से साइन हम लोगों ने करवाया है, स्कोप की रेंज हम लोगों ने ये बताई है 192.168.0.2। अच्छा, ये यहाँ पे वन या गलत लिखा होगा, यहाँ पे जीरो होना चाहिए था। ठीक है, ये क्योंकि अगर ये वन होगा यहाँ पे और यहाँ पे जीरो होगा, इसका मतलब है कि डिफरेंट सबनेट के अंदर, एक सबनेट के अंदर नहीं है, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, गलती से लिखा हुआ स्लाइड के अंदर नहीं है। तो रेंज हम लोगों ने बताई 192.168.0.2 से लेकर 254 तक, यानी सेम रेंज बताई, लेकिन अब हम लोगों ने एक्सक्लूड कौन सा करवाया? पहले 200 एड्रेस जो है हम लोगों ने एक्सक्लूड करवा लिया, वो हम लोगों ने छुड़वा लिया। ठीक है, और हमने कहा कि 54 अगले साइन कर दो। अब अगर सपोज मेरा पहला DHCP अगर मेरा डाउन हो जाता है, पहला DHCP डाउन हो जाता है, तो स्कोप की रेंज इसमें तो ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ सिर्फ इसकी एक्सक्लूजन खत्म कर देंगे, हम लोग एक्सक्लूजन इसकी नन कर देंगे। तो क्या होगा कि पहले इसके जरिए से IP एड्रेस मिल रहे थे, अब IP एड्रेस सारे के सारे, पहले सिर्फ 20% को इसके जरिए मिल रहे थे, 80% को इसके जरिए मिल रहे थे, अब जब आप एक्सक्लूजन खत्म करोगे तो 100% के 100% इसी से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने इस तरह का उसने एक सिनेरियो बताया हुआ है कि मल्टीपल DHCP सर्वर आप लोग इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो।
अच्छा, वो डीएससीपी के ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ कि डीएससीपी के ऑप्शंस जो है वो क्या होती हैं। डीएससीपी ऑप्शंस आर वैल्यू फॉर कॉमन कॉन्फ़िगरेशन डेटा दैट अप्लाइज टू द सर्वर स्कोप रिजर्वेशन एंड क्लास ऑप्शन। कि डीएससीपी के अंदर जो है ना हम लोग जाके ऑप्शन कन्फिगर कर सकते हैं, मतलब डीएससीपी को ये भी बता सकते हैं कि तुम्हारे नेटवर्क का डीएनएस सर्वर कौन सा, तुम्हारे नेटवर्क के अंदर जो है वो डिफॉल्ट गेटवे कौन सा, तुम्हारे नेटवर्क के अंदर टाइम सर्वर कौन सा। अगर हम लोगों ने विन सर्वर लगाना हो, विन सर्वर ये हम लोगों ने बाद में लगाया, डीएससीपी पहले कॉन्फ़िगर कर दिया, अब अपने डीएससीपी को ये भी बताना पड़ेगा कि इस विन्स को भी एडवर्टाइज कर दो, यानी जब क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दोगे तो साथ में ये भी बता देना कि विन सर्वर कौन सा। या मिसाल के तौर पर डीएससीपी के थ्रू क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मिल रहा है, अब हम क्लाइंट कंप्यूटर को ये भी बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा टाइम सर्वर ये पर्टिकुलर मशीन है, तुमने जो टाइम को सिंक करना है ना वो इस सर्वर से तुमने टाइम लेना है। या मिसाल के तौर पर हम लोगों ने WDS सर्वर लगाना है, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर लगाना है, और हम लोगों ने अब डीएससीपी को ये बताना है, जो आप लोगों की जो ऑटोमेटिक आप लोगों की इंस्टॉलेशन होती है उसके डीएससीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली वो पीएक्सी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, वो बूट पी के थ्रू जब वो आईपी एड्रेस लेते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि जो नेटवर्क के अंदर इमेज वगैरह कहाँ पे पड़ा हुआ है जिससे इंस्टॉलेशन करनी। तो अगर हम लोगों ने WDS अगर लगाया लगाया बाद में, डीएससीपी पहले कन्फिगर किया, अब जब तक हम लोग डीएससीपी की स्कोप की ऑप्शन में जाके हम लोग WDS की एंट्रियाँ नहीं करेंगे, वो WDS हमारा काम करना शुरू नहीं करेगा। अब ये स्कोप के अंदर जाके एंट्रीज आप लोगों ने करनी कहाँ से? आप लोगों ने जो स्कोप बताया होगा, आप स्कोप पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाए, बल्कि यहीं पे सामने ही आप लोगों को दिखा रहा है स्कोप ऑप्शन। स्कोप ऑप्शन यहाँ पे 2003 के अंदर आप राइट क्लिक करके फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हो, वहाँ से दिखाता आपको स्कोप ऑप्शन। 2008 या 2008 R2 में सामने दिखा रहा है आप लोगों को स्कोप ऑप्शन, ये सामने स्कोप ऑप्शन दिखा रहा है। इसमें दो ऑप्शन कन्फिगर हुई हुई है, एक इसके अंदर हुआ हुआ है कि DNS के बारे में बताया होगा, ठीक है, दूसरा डोमेन के बारे में बताया होगा। अब मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक किया मैंने और कॉन्फ़िगर ऑप्शंस पे क्लिक किया। अगर मैंने टाइम सर्वर के बारे में बताना है तो मैं 044 के 004 के एंट्री को सिलेक्ट करूँगा और टाइम सर्वर का मैं यहाँ पे सर्वर का नाम बताऊँगा और उसको ऐड कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जी मेरे नेटवर्क के अंदर DC02 जो है ना, सपोज मैंने कहा कि वो मेरा टाइम सर्वर है, ठीक है। अब जब ये क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी देगा तो साथ में क्या बता देगा? टाइम सर्वर के बारे में भी बता देगा। बाकी के विंस की एंट्री 044 की एंट्री आप सेलेक्ट करोगे और 046 की बेसिकली वो होती है विंस के लिए, 044 और 046 के नाम से। देखिए विंस सर्वर अगर आप लोगों ने लगाना हो तो 044 की एंट्री आप सेलेक्ट करोगे और 046 की आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। 046 ये नोड टाइप को बताता है और 044 बताता है कि विन सर्वर एक्चुअल है कौन सा। नोड टाइप का मतलब ये है कि आप लोग कम्युनिकेशन किस तरीके से आप लोग कर रहे हो, आप लोगों की पी नोड है, बी नोड है, कि आप लोगों का ब्रॉडकास्टिंग का एनवायरनमेंट है, या आप लोगों का कोई डोमेन एनवायरनमेंट है, या आप लोगों का कोई वर्कग्रुप एनवायरनमेंट है, या आप लोगों का कोई हाइब्रिड नेटवर्क है, नोड टाइप का वो मतलब होता है। और फिर अगर हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो अपने नेटवर्क के अंदर कोई डिप्लॉयमेंट सर्वर वगैरह लगाना, तो यहाँ पे हम लोग ये बूट फाइल नेम 067 यहाँ पे बताएंगे कि कहाँ पे हमारी बूट फाइल पड़ी हुई है, कहाँ से बूट करना है। स्कोप ऑप्शन का मकसद क्लाइंट इसको इनके बारे में बता दें जी, क्लाइंट को ये एडवर्टाइज कर देगा कि जो है जब तुमने आईपी एड्रेस लिया तो साथ में ये भी बता देगा कि तुम्हारा डीएनएस सर्वर ये, डीएनएस के लिए तुमने इससे कॉन्टैक्ट करना, टाइम के लिए तुमने इससे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, और मेन्स के लिए तुमने इससे कॉन्टैक्ट करना, साथ उसको ये भी बता देता है। अच्छा, अब डीएससीपी हमारा सही काम कर रहा है ये नहीं काम कर रहा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी मशीन को हम लोग ऑन करते हैं और उसको हम लोग आईपी एड्रेस जो है वो दिलवा के देख सकते हैं। और मैंने विंडोज 7 की मशीन को अपने स्टार्ट किया और उसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। हम लोग ने रिमोट इंस्टॉलेशन करनी है, मैं रिमोट इंस्टॉलेशन के 4 प्री रिक्विजिट्स मैंने आपको बताए थे। एक आपको बताया था कि 2008 सर्वर और प्लस एक्टिव डायरेक्टरी, दूसरा मैंने आपको बताया था कि उसके डीएससीपी सर्वर आपके नेटवर्क में होना चाहिए, तीसरा डीएनएस सर्वर, और फिर चौथा ये है कि आप लोगों पर WDS सर्वर। जब ये सारे आप लोगों के पास लग जाएंगे तो फिर आप लोग जो है रिमोट इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी क्लाइंट कंप्यूटर का ऑलरेडी आईपी एड्रेस मिला हुआ हो और ऑलरेडी उसने लिया हुआ था आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी के थ्रू लिया हुआ था और अब हम लोगों ने उसका आईपी एड्रेस जो है चेंज करना है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, TCP/IP की प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर उसका स्टैटिक आईपी एड्रेस उसका डिसेबल कर देंगे और उसको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में कर देंगे, लेकिन इससे उसको आईपी एड्रेस मिलेगा नहीं। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग रन करेंगे और वहाँ पे जाके हम लोग एक कमांड टाइप करेंगे IP config /all, ठीक
क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, सॉरी आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, तो आप लोगों को आईपी एड्रेस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू, या जिन्होंने पढ़ा वो तो बोल दो, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू या आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज, तो क्या हो सकता है कि आगे स्लाइड्स में देख मार्क्स में बताई हो। मैं यहाँ पर सामने लिख देता हूँ, आपको मुझे नोट कर लेते हैं। जी दूसरा तरीका ये है कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करो या लैन का डिसेबल अनेबल कर लो, या फिर तीसरा तरीका अगर आप लैन डिसेबल अनेबल भी नहीं करना चाह रहे तो फिर आप ये कमांड दे दो आईपी कॉन्फिग, वो बेसिकली काम यही कर रहा होता है, चाहे आप रिपेयर करें चाहे आप डिसेबल इनेबल करें। मारते हैं यहाँ पर, मैंने आप लोगों के सामने टाइप किए आई पी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू, आई पी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज और आई पी कॉन्फ़िग स्लैश आल। आई पी कॉन्फ़िग स्लैश आल की कमांड जो है आप लोगों को करंट आई पी की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताती है। आई पी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज अगर आप लोगों ने पहली बार तो आप लोगों ने आई पी एड्रेस आप लोगों ने लेना हो तो फिर आप लोग कहाँ से लोगे आई पी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज के जरिए लोगे, और अगर आप लोगों ने अपना आई पी एड्रेस रिन्यू करवाना है, ठीक है, जैसे हम अपना लाइसेंस वगैरह रिन्यू करवाते हैं, आई पी को अगर हम लोग रिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड देंगे आई पी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू, और ये तीनों क्लाइंट साइड के ऊपर जाके हम लोग देते हैं तीनों कमांड। अच्छा आई पी की जो आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है ये आम सिंपल यूज़र जो है ना ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए हम लोगों को डोमेन यूज़र से ही लॉगिन करना पड़ेगा अगर हम लोगों ने इसका आई पी वगैरह चेंज करना। अगर ऑलरेडी ले रहा है तो फिर तो कमांड देने की जरूरत नहीं है। असल में अगर एक कंप्यूटर आप लोगों का रीस्टार्ट हुआ ना तो और उसके ऊपर आपने स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं दिया हुआ फिर तो वो लेगा ही डीएचसीपी से, लेकिन एक कंप्यूटर आप लोगों का पहले से ही स्टार्ट था उसके ऊपर स्टैटिक आईपी एड्रेस उसके ऊपर दिया हुआ था, अब आपने स्टैटिक खत्म कर दिया, आप चाह रहे हो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर डीएचसीपी के जरिए से उसको मिल जाए, तो फिर आप क्या करोगे कि उस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर जाकर कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे और कमांड दोगे आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज, चेंज करवाना और रिन्यू करवाना हो तो आई पी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू, और अगर करंट आई पी की कॉन्फ़िगरेशन साथ देखनी है तो उसके लिए आई पी कॉन्फ़िग स्लैश आर।
निर्भय कार्य ऑन होता है तो हम लोग मजीद जो है अगली चीजें और देखते हैं। अच्छा डीएससीपी के अंदर जो है 2008 के अंदर इन्होंने जो है ना थोड़े से और इसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ये की है कि आप क्लास लेवल के ऊपर भी जो है स्कोप के अंदर जो है ना ऑप्शन जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लास लेवल के ऊपर ऑप्शन का मतलब ये है कि आप लोगों के अगर डिफरेंट टाइप के आप लोग वेंडर्स के आप लोगों के वेंडर्स हैं आप उनके डिफरेंट टाइप के आप लोग क्लासेज इसके अंदर आप लोग बना सकते हो। लाइक माइक्रोसॉफ्ट के अगर आपके पास कुछ सिस्टम है कुछ एचपी के हैं कुछ सन सोलारिस के तो आप लोग उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको अलग अलग करने के लिए डीएससीपी के अंदर आप लोग उनके जो है ना क्लास लेवल के ऊपर उनके ऑप्शन जो आप लोग वो कन्फिगर कर सकते हैं। और ये जो हम लोग डीएससीपी के ऑप्शन जो हम लोग कन्फिगर करते हैं ये मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जाके कन्फिगर कर सकते हैं। ये सर्वर लेवल पर भी कन्फिगर कर सकते हैं स्कोप लेवल के ऊपर भी कन्फिगर कर सकते हैं क्लास लेवल के ऊपर भी कन्फिगर कर सकते हैं और रिजर्व क्लाइंट लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके जो प्रायोरिटी जो होती है सबसे ज़्यादा वो सर्वर की है कि सर्वर लेवल के ऊपर जो हम लोगों ने ऑप्शंस कॉन्फ़िगर कर दें ऑटोमेटिकली डाउन साइड के ऊपर जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उन सबको जो है वो ओवरराइड कर देता है। अच्छा डीएससीपी के अंदर भी बेसिकली जो ना एक डेटाबेस बनती है डीएससीपी सर्वर जो हम लोग लगाते हैं तो उसके अंदर एक डेटाबेस बनती है। उसके अंदर क्या होता है कि एक साइड पर क्लाइंट कंप्यूटर का नाम होता है दूसरी साइड पर उस क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है यानी उसको कौन सा आईपी एड्रेस मिला। अभी डीएससीपी मैं आपको खोल के उसमें दिखाता हूँ। ये एड्रेस पूल के अंदर ये बता रहे हैं हम लोगों की रिजर्वेशन वो दो सॉरी रिजर्वेशन कह रहा हूँ सॉरी पूल के बारे में बता रहा है स्कोप के बारे में बता रहा है 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.100 तक ये हम लोगों के आई पी एड्रेस की रेंज है। इसमें से ये वाले आई पी एड्रेस जो है वो एक्सक्लूड किए हुए हैं। अभी तक लीज के किसको कौन सा आई पी एड्रेस मिला अभी तक लीज में कुछ नहीं दिखा रहा। जब लीज के अंदर आई पी एड्रेस आना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा सबसे पहले क्लाइंट का आई पी एड्रेस आ रहा होगा उसका नाम बता रहा होगा उसकी लीज की एक्सपायरेशन बता रहा होगा। विंडोज 7 की मशीन को देखते हैं अगर वो ऑन हुई है लॉगिन हुई है। अब इस मशीन का मैंने आई पी एड्रेस चेक करना है कि इस मशीन का आई पी एड्रेस क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए मैं क्या करूँगा इसका कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोल के मैं कमांड दूंगा यहाँ पे आई पी कॉन्फिग स्लैश आर उससे मुझे इसके करंट आई पी के जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है क्लाइंट आई पी के जो स्टेटस मुझे पता लग जाएगा। कार्ड के अंदर रन में और यहाँ पे आके लिखा CMD CMD लिखोगे और कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों का आ जाएगा। खोल ले रहा अगर जी EXE लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको एक्सेसरीज में से जाके खोल लो करंट कॉन्फ़िगरेशन देखनी है आप लिखोगे आई पी कॉन्फिग स्लैश आर करंट आपको आई पी का जो है वो स्टेटस बता देगा कि अभी इसको आईपी एड्रेस कहाँ से मिला होगा क्या सूरत हाल है इसके आईपी एड्रेस वगैरह का। आईपी फोर ये बता रहा है कि 10.0.0.2 ठीक है और चेंज करना आप लोगों ने इसको डिसेबल करना। अच्छा याद है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है इसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी लगाई थी ग्रुप पॉलिसी के जरिए हम लोगों ने क्या किया था कि हमने इसका कंट्रोल पैनल डिसेबल कर दिया था। ग्रुप पैन कंट्रोल पैनल की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही ना और हम लोगों ने स्टार्ट में से रन लाइव कर दिया था। अब देखें यहाँ पे साइड पर रन आ रहा होता तो रन भी नहीं आ रहा ठीक है स्टार्ट में ना रन आ रहा ना वो आ रहा। और इवन के माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ वहाँ पर भी जाने नहीं दे रहा क्यों क्योंकि आप लोगों ने ग्रुप पॉलिसी के जरिए चीज़ें डिसेबल की थी। और क्या किया था हम लोगों ने इसके ड्राइव जो है वो सारी हाइड कर दी थी हम लोगों ने और ड्राइव इसकी हाइड भी तो पहले मैं उस ग्रुप पॉलिसी को खत्म करूंगा फिर उसके बाद उसको जो मैं कुछ कर सकता हूँ इवन भी मैं इसका आईपी एड्रेस जो है वो चेंज नहीं कर सकता ठीक है। अब वो मैं ग्रुप पॉलिसी में ख़त्म कहाँ से करूँगा या तो मैं इस क्लाइंट को वहाँ से निकाल दूंगा उसमें से कौन बताएगा कि कहाँ से जाके ग्रुप पॉलिसी ख़त्म करनी है। हाँ जी हाँ
पिछली बार तो हालांकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं यहाँ ला के करवाऊंगा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर आओगे उस लिंक को डिसेबल कर दें। एक सूरत तो ये है कि उस लिंक को डिसेबल कर दें, दूसरी सूरत ये है कि उस हम लोगों ने पर्टिकुलर ओजू के ऊपर हम लोगों ने पॉलिसी लगाई थी, तो हम लोग लिंक को डिसेबल नहीं करते फॉर द टाइमिंग। हम लोग क्या करते हैं उस ओजू में से इसको वापस मूव कर लेते हैं। तो मैं किसी यहाँ पर दोबारा इसको मैं कंप्यूटर के कंटेनर में ले आया, तो अब इसके ऊपर पॉलिसी कौन सी लगेगा, अब इसके ऊपर डिफॉल्ट डोमेन की पॉलिसी लग जाएगी, बोली पॉलिसी इसके ऊपर से खत्म हो जाएगी। चले आप लोगों की पॉलिसी भी टेस्ट हो गई, जो लास्ट टाइम जो वो काम नहीं कर रही थी, आप लोगों ने देख लिया कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसेबल किया था उसे। अच्छा अब इसके ऊपर मैंने डोमेन की पॉलिसी को अप्लाई करवाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जी पी अपडेट स्लैश फोर्स, जी पी अपडेट स्लैश फोर्स की कमांड से जो है मैं इसकी जो है वो ग्रुप पॉलिसी जो है वो इसकी अपडेट करवा लूँगा या चेंज करवा लूँगा। अब इसके ऊपर जो ओ जी लेवल पॉलिसी लगी हुई थी वो ओ जी लेवल पॉलिसी इसके ऊपर खत्म हो जाएगी, और इसके ऊपर कौन सी पॉलिसी आ जाएगी इसके ऊपर डोमेन लेवल की, इसके ऊपर पॉलिसी इसके ऊपर आ जाएगी। मशीन को देख लेते हैं ग्रुप में, मशीन हमारे पास और भी है, हम लोगों के पास मेल 01 के नाम से मशीन थी। इस मशीन को हम लोग ए डी सी जो है इसको हम लोग मिसाल के तौर पर आई पी एफ डी एस पी की तरह दिलवा देते हैं। स्टार्ट किया, कनेक्ट किया मैंने इसको, उसका आई पी मैं ख़त्म कर दूँगा, आई पी ख़त्म करके मैं करूँगा फिर आप डी एस पी के थ्रू आई पी लगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि विंडोज 7 या विंडोज़ एक्सपी के क्लाइंट कंप्यूटर को उसने आई पी एड्रेस देंगे, और विंडोज 2000 को 2008 R2 को भी जो है सर्वर फैमिली को भी आई पी एड्रेस दिलवा सकते हैं डी एस पी के जरिए से। 2008 के अंदर और अच्छी बात यह है कि 2008 के अंदर जो इन्होंने डी एस पी के डेटा बेस का बैकअप लेना और उसको रिस्टोर करने का भी जो इन्होंने ऑप्शन दे दी हुई है, कि अगर आप लोगों ने अपने डी एस पी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, मिसाल के तौर पर आप लोग अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हो, तो आप लोगों ने क्या किया कि नई मशीन ली, नई मशीन के ऊपर आपने एक्टिव डायरेक्टरी आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोल आप लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, एक्टिव डायरेक्टरी तो सारी के सारे सिंक हो गई लेकिन डी एस पी तो सारा के सारा सिंक नहीं होगा। फिर क्या करोगे कि पुराने कंप्यूटर से आप डी एस पी की कॉन्फ़िगरेशन को जो आप एक्सपोर्ट करोगे, उसके डेटाबेस का बैकअप लोगे, और नए पीसी के ऊपर डी एस पी का रोल इंस्टॉल करके आप वो सारे के सारे डेटाबेस जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे। तो जो आप लोगों ने पहले खुद से कॉन्फ़िगरेशन की, जो आपने स्कोप डिफाइन किया, रिजर्वेशन एक्सक्लूजन वगैरह स्कोप ऑप्शन कॉन्फ़िगर किया, दोबारा नए सिरे से जाके वो सारा काम करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर के मैंने TCP/IP की प्रॉपर्टीज में आगे इसका मैं आईपी एड्रेस का मैं खत्म कर देता हूँ। आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर आओगे, लैन की प्रॉपर्टीज में आओगे, जो आप लोगों का लोकल एरिया कनेक्शन में बना होगा उसके ऊपर क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, और यहाँ से मैं ऑब्टेन आई पी एड्रेस ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर दूँगा। TCP/IP.0.0.2 था, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन DNS भी IP भी सबनेट मास्क भी सब कुछ मैंने इसका ख़त्म कर दिया होगा। इसे ना लगाइए दोनों, तो मुझे बताया था आदिल और वश एक तो नहीं आए, उन्होंने बताया था कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो कोई फोर्थ जा रहा है। अच्छा आई पी एड्रेस खत्म हो गया, अब मैं इसका कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ इसका।
यहाँ पे कमांड में दी आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, ग्राफर डीएनएस इसका ये बता रहा और डीएससीपी सर्वर ये बता रहा और डीएनएस ये बता रहा, रिन्यू करना है या रिलीज, ये इसको मिला कब है ये देखें, वेडनेसडे मार्च 28, 2012 उसने खुद ही गेट कर लिया। आईपी कॉन्फिग स्लैश रिन्यू, मैं यार रिन्यू कर दूंगा या मैं इसको रिलीज कर दूंगा। ठीक है, रिन्यू होने से उसका आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा उसका। अभी मैं अपने लीज के अंदर जाके देखता हूँ कि उसके अंदर इसका रिकॉर्ड आया कि नहीं आया, डेफिनेटली वहाँ पे आ गया होगा इसका रिकॉर्ड। जी हमारा वही सर्वर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी की मशीन भी है, डीएनएस भी उसी पे और डीएससी भी उसी पे है। इसमें यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये सामने दिखा रहा आप लोगों को 10.0.0.2, ये आईपी एड्रेस उसको मिला। ठीक है, मशीन का नाम क्या है, umair-pc.mcitp.com, ये डोमेन है। लीज इसकी एक्सपायर कब हो रही है, 4/5/2012 को एक्सपायर हो रही है 7:59 पर। और उस मशीन की मैक आईडी क्या, मैक आईडी उसकी ये बता रहा है, यानी 40F है। अब मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि यही मैक है उसका या नहीं, मैं विंडोज 7 वाली मशीन पे आऊँगा, इसका मैक कहाँ से मैं चेक करूँगा। आई पी कॉन्फिग स्लैश ऑल, तो यहाँ पे मुझे बता देगा ये 40F, यही मैक है ना, ये फिजिकल एड्रेस। ठीक है, अब डी एस सी पी ने इसको, ये डी एस सी पी सर्वर का बता रही है, देखें ये आई पी एड्रेस दिया 10.0.0.2, ये सबनेट मास्क दिया, उसके बाद ये बताया कि तुम्हारा डी एस सी पी सर्वर है, ये बताया तुम्हारा डी एन एस सर्वर है। ठीक है, और ये मार्च 28 वेडनेसडे आज की तारीख में उसने दिया, और अगले थर्सडे को जो है यानी ठीक 8 दिन के बाद एक्सपायर कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ 8 दिन के लिए ना मिला आई पी एड्रेस, बल्कि आई पी एड्रेस जो है वो अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए मिले। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस स्कोप के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा मैं। ठीक है, लिमिटेड टू 8 डेज के लिए इसको क्या कर दूँगा, अनलिमिटेड कर दूँगा। अनलिमिटेड करके मैंने इसको अप्लाई किया, ओके किया। ठीक है, क्या किया जी, मेयर साहब को अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि आई पी एड्रेस जो मिल गया, तो आई पी एड्रेस मिलने के बाद डेटा बेस मेंटेन होना शुरू हो गई हुई है। अब जब आप लोगों ने डी एस सी पी सर्वर को एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों ने मूव करना है, किसी दूसरे सर्वर के ऊपर आप लोगों ने लेके जाना, तो फिर क्या करेंगे कि पहले तो ये करते, हम लोगों के लिए खासी हेक्टिक जॉब हुआ करती थी कि हम लोग एक एक कंप्यूटर का आई पी एड्रेस लोड करते थे अपने कॉपी पेंसिल से, और दोबारा नए सिरे से जाकर डी एस सी पी बनाना और सारा नए सिरे से काम करना। 2008 में बहुत ज़्यादा आसान कर दिया होगा कि हम लोग जो है यहाँ से इसका बैकअप ले लें, सिंपल अपने डी एस सी पी पर राइट क्लिक करें, बैकअप पर क्लिक करें, कहाँ पर आपने इसका बैकअप लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जी इसका डेस्कटॉप के ऊपर ही बैकअप ले लो, बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना ये सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर सिस्टम V90 के अंदर सिस्टम 32 के फोल्डर के अंदर जो है ना इसका बैकअप खुद ही ले लेता है। ठीक है, अगर इसके वहीं पे इसका बैकअप बाई डिफ़ॉल्ट वहीं पे लेता है, मैंने उसको उसको सी के ऊपर कहा, सी पे जो है ना एक नया फोल्डर बना दो, ठीक है, बैकअप के नाम से, ओके किया। अब इसने क्या किया कि इसका बैकअप वहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर फोल्डर बना के उसमें बैकअप इसका रख लिया, लेकिन हमारे तो कैप्चर ड्राइव ही नज़र नहीं आ रही। आपको बता दिया तरीका कि इसका जो आप लोगों ने अगर बैकअप करना हो तो बैकअप आप लोगों ने कहाँ से करना है, आप सिंपल इसके ऊपर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो चेक करना पड़ेगा कि आप उसमें से निकाल दिया तो कोई ना कोई डेफिनेटली उसमें गलती की होगी जिसकी वजह से जो है ना उसने गड़बड़ की है, ऐसे तो नहीं कि वो ऑटोमेटिकली तो नहीं हो सकती, वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा। अच्छा, इसी एक और डी एस सी पी सर्वर लगा लिया, डी एस सी पी सर्वर को फॉर द टाइमिंग में बंद करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसके जरिए आई पी एड्रेस ना मिले,
तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको अनऑथोराइज करूंगा, ठीक है। ऑल टास्क के अंदर और क्या करते हैं, टीएसपी के सर्वर बाद का इसके सर्विस आप लोगों की हैंग हो जाती है, तो यहाँ से आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, है। और अगर हम लोग अपने स्कोप के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज के अंदर है, यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि डायनामिक अपडेट्स जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर्स को देनी है नहीं देनी। डीएनएस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि डायनामिक अपडेट्स वगैरह क्या होते हैं। यहाँ से हम लोग डीएनएस की भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अपने नेटवर्क एक्सेस सर्वर या नेटवर्क पॉलिसी सर्वर उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये नेटवर्क पॉलिसी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो आप लोगों की कंप्लाइंस पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, कि जो चेक करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन अलाउ है, उसका कौन सा उसका अपडेट, कौन सा उसका पैच, कौन सा सर्विस पैक अलाउ, वो सारी चीज़ें मैच करता है। तो उसके लिए अगर डीएससीपी के जरिए आईपी एड्रेस दिया हो तो डीएससीपी में जाकर बताना पड़ता है कि नैप सर्वर यह है, नैप के जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से इनेबल करनी पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा एडवांस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं कि अभी ये जो है डीएससीपी जो है सिर्फ एज अ डीएससीपी सर्वर काम कर रहा है, अगर हम लोगों ने इसके जरिए से रिमोट इंस्टॉलेशन भी करवानी है तो हम लोग इसके डीएससीपी की सर्विस भी हम लोग इनेबल करेंगे और बूट पी की भी करेंगे, बल्कि दोनों हम लोग करेंगे इसके अंदर, ठीक है। बूट पी की सर्विस भी इनेबल करेंगे और डीएससीपी की सर्विस, ये बूट पी की हम लोगों को तब जरूरत पड़ती है कि जब हम लोगों ने रिमोट इंस्टॉलेशन करवाना है, अदरवाइज हम लोगों को बूट पी की जरूरत नहीं पड़ती। WDS के लिए करवाते हैं, लेकिन जो आप लोगों का WDS सर्वर जब आप लोगों का डिप्लॉय हो जाता है तो हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर को नेटवर्क से बूट करवाते हैं। नेटवर्क से बूट करते हुए क्लाइंट कंप्यूटर जो है ना वो बूट पी की सर्विस को यूज़ करता है, तो वो अगर यहाँ पे DHCP ने अलाउ की होगी बूट पी की सर्विस, तो देन आप लोगों को उसके ऊपर इंस्टॉलेशन हो गया, अदरवाइज उसके ऊपर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। एक कॉमन सिनेरियो के अंदर आप लोगों ने DHCP की जो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उसके अंदर यही चीज़ें, इससे रिलेटेड अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, DHCP के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की समझ ना लगी, आप लोगों ने अगर रिजर्वेशन करनी है कि भाई पूछना है कि अगर आईपी मैंने फिक्स करवाना है तो उसके लिए फिर क्या करोगे, आप रिजर्वेशन पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू रिजर्वेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रिजर्वेशन का नाम किस मकसद के लिए करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फाइल सर्वर है, मैंने यहाँ पे उसका नाम लिखा फाइल सर्वर, और फाइल सर्वर के लिए मैं आईपी एड्रेस रिजर्व करवाना चाह रहा हूँ कौन सा, मैंने कहा 10.0.0.60, सपोज मैंने कहा ये यहाँ पे अभी रिजर्व किसकी बेस पे होगा, ये मैक एड्रेस की बेस पे होगा, मैं उसका मैक एड्रेस देख कर यहाँ पे टाइप करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। मैक की बेस पे आपकी रिजर्वेशन हो सकती है, यहाँ ये आपके एड्रेस पूल बता रहा है, आपको रेंज बता रहा है, एक्सक्लूजन बता रहा है, ये लीज जिन जिनको आईपी एड्रेस मिल चुका ये यहाँ पे रिजर्वेशन बता रहा है, और ये बता रहा है कि स्कोप में कौन कौन से ऑप्शन कंफिगर हैं। जी आप पूछें क्या पूछें, थर्टी फोर्टी पीसेस पे करवाना क्या मतलब, एनसीआरटीपी की लैब है पूरी तो सबके लिए फिक्स करवाना चाह रहे हैं, तो अगर आपने सबके लिए फिक्स करवाना है तो आप रिजर्वेशन के अंदर आके आप सारों का मैक एड्रेस डाल दोगे, आईपी एड्रेस डाल दोगे, ठीक है। अच्छा, बैकअप लेने का ये भी फायदा होता है कि अगर सपोज आपने 40 कंप्यूटर आपने रिजर्व करवाए हुए, अब दोबारा आपको डीएससीपी कहीं पर कन्फिगर करना पड़ जाए, तो वो तो एक अच्छा खासा टेंशन वाला काम है कि वो 40 कंप्यूटर के दोबारा से मैक ढूंढ के लिखो, फिर उनके रिजर्वेशन के नाम सारा काम करो। अगर बैकअप लिया होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी कि आप लोगों को जो है वो 40 रिजर्वेशन दोबारा नहीं डालनी पड़ेगी, नई जगह पे सिर्फ डीएससीपी इंस्टॉल किया और आपने बैकअप की फाइल आपने इंपोर्ट कर दी, आपने रिस्टोर कर ली, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों ने 40 रिजर्वेशन की थी या स्कोप बनाया था, एक्सक्लूजन की थी, वो सारे काम आप लोगों को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बता ये रहा हूँ, अर्ज ये कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे ये मेरा डीएससीपी सर्वर भी है और ये किसी वजह से क्रैश कर गया, किसी वजह से फोत हो गया, ख़राब हो गया ये। अब उसके बाद जो है मैं क्लाइंट कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना, क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने नया डीएससीपी सर्वर इंस्टॉल किया, अगर मैंने इसका बैकअप ना लिया होता, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट ना की होती, अब मुझे नए सिरे से दोबारा रिजर्वेशन लगानी, दोबारा स्कोप भी फाइन करना, दोबारा एक्सप्लेन करना, सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से करनी पड़ती। उस चीज़ से जांच कराने का तरीका ये है कि इसका बैकअप लेकर रखो आप, और उसके बाद जो है आप उस बैकअप को जो है रिस्टोर करवाओ, तो वो दोबारा आपको लंबा टाइम भी उस पर ज़ाया करना। क्लियर है यहाँ तक? जी जी फर्स्ट टाइम जो करते हैं उसमें मैनुअल करना। हाँ, ये है कि ऑलरेडी किसी जगह पर आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई, एक्सपोर्ट की थी, और 2008 पर ही की हुई थी, वो आप वो फाइल यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर लो, उसके बाद नई सारे सारे नए सिरे से सारी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। या ये आज जो कॉन्फ़िगरेशन की आप चाह रहे हो कि सेम इसी तरह का स्नैरियो घर जाके बनाना, आप इसी फाइल को घर ले जाओ इस डेटाबेस को, और ये बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट की जेट टाइप की जो है ना इसका डेटाबेस होती है। अभी खैर उतने वो एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जा रहा,
डीएनएस हम लोग करेंगे पढ़ेंगे, तो उसके बाद चला आप लोगों को कुछ और टर्मिनोलॉजीज वगैरह का पता लगेगा, फिर उसके अंदर हम लोग टाइम टू टाइम आगे चलते जाएंगे तो और मजीद एडवांस चीज़ें इसकी जो है डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अभी तक जो डिस्कशन की है इसमें किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, नहीं लीज जब आपकी एक्सपायर होती है तो ऑटोमेटिकली वो जो है रिन्यूअल की रिक्वेस्ट भेजता है वो, जी जी ऑटोमेटिकली भेजता है। सर वो तो ऑब्वियसली आपके डीएनएस जो है वो दो अलग अलग मशीनों पे होगा, अगर आपने डीएनएस की भी रिडंडेंसी आप लोगों ने करनी है कि अगर एक डीएनएस काम ना करे दूसरा कर रहा हो तो फिर आपको दो अलग अलग मशीनों पे करना पड़ेगा, एक ही मशीन में दो बार डीएनएस नहीं हो सकता। लीज अगर उसका एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद वो देखेगा, मैच करेगा लीज एक्सपायर हुआ होगा वो उसको रिन्यू करवाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर रिन्यू करेगा, रिन्यू करके ले लेगा, आईपी एड्रेस ले लेगा, दोबारा उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी और कोई क्यूरी किसी की, सारे चुप करके बैठे हैं, या तो बहुत ज़्यादा समझ लग रही है किसी की समझ नहीं लगी। प्रोग्राम था कि आज जो है ना डीएनएस भी करवाऊंगा लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो इंशाल्लाह ये अगर हम लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों के बन गए तो आगे चल के जो है आप लोगों को इंशाल्लाह आइंदा थ्रू आउट लाइफ मुझे उम्मीद है कि आप लोग किसी का मार नहीं खाने लगे। अगले मरतबा इंशाल्लाह हम लोग डीएनएस डिस्कस करेंगे और कुछ और एडवांस चीजें जो डिस्कस करेंगे। ठीक है।